अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी ख़बर से आगाह करते हैं। मुल्क भर में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के सर्वे का आगाज़ कर दिया है। अब घर घर पे टीमें भेजी जा रही है। अब आपने इस टीम के साथ ताउन करना है। इस टीम को आपने तमाम अहम इंफॉर्मेशन देनी है और इनसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने घर घर समाजी खुशहाली सर्वे का आगाज़ कर दिया है। अगर आपके घर पे ये टीम नहीं आई तो मैं आपको तमाम अहम इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इस टीम भेजने का मकसद क्या है और इस टीम के ज़रिए आप किस तरीके से रकम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया था, लेकिन उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास सही अदादोशुमार नहीं थे, मकम्मल डाटा नहीं था। इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने नए सर्वे का आगाज़ किया है। नए सर्वे के ज़रिए आप लोगों तक हुकूमत पाकिस्तान की एक टीम पहुंचेगी, जिस टीम को आप NSER की टीम कह सकते हैं। कौमी खुशहाली सर्वे का फ़ायदा ये होगा, हुकूमत पाकिस्तान के पास आपका सही और दुरुस्त डाटा पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर आपकी अहलियत देखी जाएगी और फिर आपको एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, इस टीम से आपको क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है ये भी आपको बताऊंगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन से पहले आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है, एक अर्ज़ है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो आज ही हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई नया प्रोग्राम आए, नई स्कीम आए तो सबसे पहले आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाए और फिर आप इस प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकें। नाज़रीन, इस सर्वे के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान के पास आपका डाटा पहुंच जाएगा और इस डाटे को फिर एहसास प्रोग्राम के सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहां से आपकी अहलियत चेक की जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी, आपके नाम पर गाड़ियां, जायदाद, बंगले या फिर बहनों ने मुल्क आपने सफ़र किया होगा तो फिर आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। अगर आप गरीब और मुस्तहिक साबित हुए तो फिर आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और यहां से फिर हुकूमत पाकिस्तान आपको देखेगी कि आप किस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ ख़वातीन से है तो फिर आपको एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अगर आपको कर्ज़े की ज़रूरत है तो फिर आपको यहाँ से कर्ज़ा भी दिया जाएगा। अगर कोई नई स्कीम आती है तो उसके तहत आपको फिर यहाँ से इमदाद दी जाएगी।